शारदा की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी तक हम ये सीख चुके हैं शारदा के सारे स्वर और व्यंजन अभी तक हमने सीख लिए। इसके अतिरिक्त हमने शारदा में मात्राएं भी सीखी, जैसे कल जो हमारा जो असाइनमेंट था उसमें ना नी ने नाई नो नाउ नृ ऐसे करके वो हमने सीखा। आज हम एक नया सीखेंगे शारदा में कि शारदा में हाफ लेटर्स कैसे लिखते हैं। हाफ लेटर्स मतलब, थोड़ा मैं आपको पहले ये समझा दूं कि हाफ लेटर होता क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां देखें, ये वक्त लिखा है। इसमें जब हम देवनागरी में देखेंगे तो इसका जब मैं वर्ण भेद करता हूं तो ये वक आधा है, तो ये हमारे लिए जब इसको मैं अलग करता हूं ये व, इसमें ध्यान रखे ये व में अ भी है, व प्लस अ आता है इसलिए व बना। इस क ये हलंत है, ये हलंत की मात्रा होती है इसलिए ये क आधा है, तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ये क होता है। इसके कारण ये शब्द व क त, इस त में भी अ है तो ये व क त वक्त बन जाता है। अब ऐसे ही, लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है कि जब हम शारदा में लिखते हैं तो शारदा में हम आधा जो है इधर, जैसे देवनागरी में हम आधा क ऐसे लिखते हैं या आधा स ऐसे लिखते हैं, आधा छ ऐसे च ऐसा लिखते हैं, शारदा में ये रूल है जो आपको अभी स्मरण करना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई भी अक्षर आधा आए जिसमें हलंत हो, जैसे क क आया, इसमें शारदा में ये पूरा लिखेंगे, इसके बाद जो आने वाला अक्षर है उसको हम इस अक्षर के नीचे लिखेंगे। मतलब ये कि जो भी अक्षर आपका आधा आया उसको पूरा लिखो और द करेक्टर फॉलोइंग टू इट यूज करेक्टर एम पत ई सुच लेखोनाथ बन गई। नाउ आई विल शो यू कि ये हम लिखते कैसे है। जैसे अब मैं ये वक्त जब मुझे शारदा में लिखना है तो ये देखिए मैं कैसे लिखूंगा, व क त, ये त नीचे आया, क अब ये आगे समझेंगे हम जब भी क कंजंट में आता है क्योंकि ये दो है तो क ऐसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इसमें हमने जो देखा, जो करेक्टर फॉलोइंग द हाफ लेटर इज रिटन बिलो, तो यही इसलिए व क त। अब यही जैसे अब दूसरा शब्द लेंगे श शक्ति, श क ती शक्ति, तो जब मैं इसे शारदा में लिखूंगा तो ये ऐसे बनेगा श, जैसे मैंने समझाया आपको क का कंजंक्ट में ऐसे लिखते हैं तो ई, ये बना शक्ति। तीसरा लेंगे स्वच्छ, इसका जब मैं वर्ण भेद करता हूं यह आता है स, ये आधा स है, इसका मतलब है ये व इस स के नीचे आएगा शारदा में। ऐसे ही ये छ स्वच्छ, च छ स्वच्छ, स के नीचे व आएगा, च के नीचे छ आएगा। देख लीजिए यहां क्योंकि च आधा है, छ इसके बाद है तो छ को हम शारदा में जब लिखूंगा तो इसके नीचे। अब जैसे मैं देखिए मैं अब कैसे लिखूंगा इसको, ये ध्यान दें, स
V. Č. Č. Svach. ऐसे ही और एक उदाहरण के लिए आनंद, आ न न द, तो आ पूरा लिखा जाएगा, न ठीक तरह से लिखा जाएगा, न के नीचे द आएगा क्योंकि हाफ लेटर के बाद न आता है। तो चलिए हम इसको लिखेंगे, आ न न द। देख लीजिए, न पूरा लिखा, इसके नीचे द लिखा, आनंद। अब एक और उदाहरण के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ शब्द खुद बना सकते हैं असाइनमेंट के लिए। तो मैं लिखूंगा ब्रह्मा, ब्र ह, ह आधा है मां, तो हमें आप इधर समझ आया कि ह के नीचे मां आएगा। तो इसमें जब मैं इसे लिखूंगा, ये हम आपको याद रखना है, ब्र जैसे लिखते इसमें शारदा में ऐसे लिखा जाता है ब्र। अब ह लिखेंगे, म आएगा और आ हमेशा मां के साथ नहीं आएगा, ऊपर आएगा, तो ये बना ब्र मां।